जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जियो का जो वेलकम ऑफर है वो 31 मार्च 2017 तक एक्सटेंड हो चुका है। जियो ने ऐसा क्यों किया, अगर आप जानना चाहते तो इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहिए। हेलो दोस्तों, टिप्स इन हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं जियो की तरफ से एक लेटेस्ट न्यूज आपको देने वाला हूँ कि जियो का जो वेलकम ऑफर था वो 31 दिसंबर 2016 से एक्सटेंड होके 31 मार्च 2017 तक हो चुका है। आपको मालूम होगा कि वेलकम ऑफर के अंदर आप जियो से अनलिमिटेड इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि वहां पर 4GB का इंटरनेट का जो लिमिट था वो तो है ही, लेकिन आपको पर डे 4GB 4G डेटा फ्री पर मिल रहा था, और उसके साथ साथ आप जियो पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग कर सकते थे और वहां पर अनलिमिटेड एसएमएस भी भेज सकते थे। लेकिन जियो ने इस वेलकम ऑफर को एक्सटेंड करके 31 मार्च 2017 कर दिया है। आप सभी लोगों को मालूम है कि इस कुछ ही दिनों में जियो जब से आया है 16 मिलियन लोगों ने ऑलरेडी जियो को सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन जियो का जो टारगेट है वो है 100 मिलियन लोगों को जियो से जोड़ना। हालांकि जो जियो का जो वेलकम ऑफर एक्सपायरी डेट है वो है 31 दिसंबर 2016, लेकिन जियो की जो अथॉरिटी है उन्होंने समझ लिया है अगर हमें 100 मिलियन क्रॉस करना है तो ये जो 2 महीने का टाइम अभी रह चुका है, इस टाइम पर ये 100 मिलियन कभी भी नहीं टच हो। इसीलिए जियो का ये जो ऑफर है, ये ऑफर 31 मार्च तक एक्सटेंड करने का जो फैसला है वो जियो ने लिया है। तो जियो जब से आता वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम थे जियो के अंदर। अगर आप जियो से किसी दूसरे नेटवर्क पर कॉल करना चाहते तो वहाँ पर कॉल नहीं लग पाता था, जो POI या पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन का जो प्रॉब्लम था, जो दूसरे जो टेलीकॉम ऑपरेटर से जैसे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, वो अपने जो POI वो ओपन नहीं किया था, इस वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। बहुत सारे कॉल ड्रॉप हो रहे थे, जियो से दूसरे नेटवर्क पर कॉल ही नहीं जा रहे थे। अगर आप 15-20 बार ट्राई करते तो उसके अंदर आपको जाकर एक बार वहां पर कॉल लगते थे, वो जो कॉल की क्लैरिटी थी वो भी अच्छे नहीं थे। हालांकि ये एक 4G वोल्टी कॉल है, फिर भी ये कॉल यहां पर नहीं लगते थे। लेकिन ट्राई ने रिसेंटली जो दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर है वहां पर एक बहुत बड़े अमाउंट फाइन किया है, इसके बाद से ये जो पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन का प्रॉब्लम जो था ये धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है। और अभी भी जो सब्सक्राइबर जियो के जितने दिन जा रहा है तो जियो के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। पर डे 1.1 मिलियन लोग जियो से ज्वाइन हो रहा है, तो ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। इसलिए जो जियो के 4G नेटवर्क के स्पीड थे वो स्पीड भी बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन आशा करते हैं कि जियो बहुत जल्द ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, क्योंकि जियो के अथॉरिटी के पास भी ये खबर पहुंच चुका है कि इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, अगर उन्होंने ये जो स्पीड था ये स्पीड का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया तो उसके सब्सक्राइबर घट भी सकते हैं। ये डर सभी टेलीकॉम ऑपरेटर को रहते हैं, लेकिन जियो एक इंडियन कंपनी है। एक इंडियन कंपनी होने के नाते ये जो इतने बड़े फैसले, आपको अनलिमिटेड 4G डेटा मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर किसी भी कंट्री पर ऐसा कोई डिसीजन लिया होगा। लेकिन जियो एक इंडियन कंपनी होने के नाते वो इस तरीके का काम कर रहा है, ये हमें अप्रिसिएट करना चाहिए। और ये जो छोटे 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 मोटे जो प्रॉब्लम है जियो के, जो नेटवर्क कनेक्शन इश्यूज है और जो POI का जो प्रॉब्लम था, कुछ कॉम्प्रोमाइजेशन तो हमें करना ही चाहिए, क्योंकि ये जो दे रहा है ये बिल्कुल मुफ्त दे रहा है आपको। आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े अमाउंट के लोग, 16 मिलियन, 1,60,00,000 लोग अभी जियो पर ज्वाइन हो चुके हैं, सिर्फ कुछ महीने हुए जियो को आए हुए। और ये जो कनेक्शन ये टोटली 4G नेटवर्क पर बेस्ड है, आपको 2G या 3G नेटवर्क यहाँ पर नहीं मिलता है, आपको सिर्फ 4G नेटवर्क मिलता है। और ये जियो का जो कनेक्शन है ये पूरे इंडिया पर, आपको शायद मालूम ही होगा कि जो रूरल एरिया है जहाँ पर अच्छी तरीके से 2G नेटवर्क भी नहीं पहुँचते, वहाँ पर भी जियो के 4G नेटवर्क पहुँच चुके हैं। तो इतने ज़्यादा जियो का जो ये फास्ट स्टेप है, ये फास्ट स्टेप हम सभी को एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो छोटे मोटे जो प्रॉब्लम आ रहा है इस प्रॉब्लम को हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। तो आशा करते हैं कि बहुत जल्द जियो के संबंधित जो जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और ये जो जियो का फैसला है कि 31 मार्च 2017 तक ये जो वेलकम ऑफर एक्सटेंड किया है, इसका मतलब हमें और भी 3 महीना एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। क्योंकि अभी अभी जो लोग जियो के सिम लेना चाहते हैं या लेने वाले हैं वो तो 3 महीने भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि और 2 महीने रह गया है 31 दिसंबर को। तो एक जियो की तरफ से लेटेस्ट न्यूज़ था जो मैंने आपको देना सही समझा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो वीडियो है, वीडियो आप शेयर कीजिए, और भी लोगों को इसके बारे में बताइए कि जियो का जो ऑफर है वो ऑफर एक्सटेंड हो चुका है और भी 3 महीने आपको फ्री पर इंटरनेट और फ्री पर वॉइस कॉलिंग आपको मिल जाएंगे। तो जियो से संबंधित बहुत सारे वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो ऊपर यहाँ पर आई बटन पर आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप इसी तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं और ऑनलाइन मनी अर्निंग ट्रिक देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब बटन आपके वीडियो के नीचे मिल जाएंगे तो वहां से जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए टिप्स इन हिंदी के साथ, और मेरे साथ बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।